स्टूडेंट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस एंड टुडे आई विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक बीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज। फर्स्ट वन इज बीडिंग। बीडिंग मीन्स क्या होता है? निराई करना। क्या होता है बीडिंग मीन्स? क्या होती है बीडिंग? दी रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स बीड ग्रोइंग अलोंग विद डिजायर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग। मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स बीड। बीड मीन्स क्या होता है? खरपतवार जिसको बोलते हैं, खरपतवार जो हमारी फील्ड में क्रॉप के साथ में उगाती है उसको हटाना। मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, जो खरपतवार है उसको, हमारी जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको हटाना इज कॉल्ड बीडिंग। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग अलोंग विद द डिजायर्ड क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग। मीन्स फील्ड से हमारी जो फसल है उससे जो अनवांटेड प्लांट्स है, बीड है, खरपतवार है, उसको हटाना इज कॉल्ड बीडिंग, जिसको बोलते हैं निराई करना। द मोस्ट कॉमन बीड्स आर, जो मोस्ट कॉमन बीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो क्या होते हैं? अमरंथस एंड चिनोपुदीन, कॉर्नबोलियस, बाइलडोट ग्रास, ये हमारे कुछ कॉमन बीड्स हैं, कॉमन खरपतवार हैं जो हमारी क्रॉप के साथ में उगाती है। बीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड बिकॉज दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर देयर बेसिक नीड लाइक वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड देयर फॉर रिड्यूस क्रॉप यील्ड। जो बीड्स होती है, खरपतवार होती है, उसको क्या होती है? उसकी जरूरत होती है हमें उसको हटाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उनको भी, हमारे जो फसली पौधे होते हैं उनकी तरह भी जो बीड्स होती है उनको भी किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है एंड न्यूट्रिएंट्स की भी उनको जरूरत होती है, पोषक तत्व एंड स्पेस, और उनको भी स्पेस, जगह की जरूरत होती है। इसलिए हमें जो बीड्स हैं उनको हटाना चाहिए ताकि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं, जो हमारी फसली पौधे हैं, वो अच्छे से ग्रो कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स ग्रो नेचुरली विद डिफरेंट क्रॉप। जो अलग अलग प्रकार के बीड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं उनके साथ में अलग अलग सीजन में उगाते हैं। बीड्स ऑफन ग्रोज फास्टर देन द मेन क्रॉप। जो हमारी मुख्य फसल है उससे जल्दी जो बीड्स होते हैं वो जल्दी उगाते हैं, हमारी मेन क्रॉप्स की अपेक्षा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स फ्रॉम द फील्ड इज डन बाय टू डेज। जो बीड्स है, खरपतवार है, उसको हटाना हमारे फील्ड से वो दो तरीके से की जाती है, मैनुअली क्या होता है, बाय पुलिंग आउट द बीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल, खुरपा और ए हॉरो। जो बीड्स है, वो खरपतवार है, उसको किसकी हेल्प से खींचना? हेल्प ऑफ ट्रॉवल, जिसको बोलते हैं खुरपा, उसकी हेल्प से उसको हमारी जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके बीच में जो हमारे बीड्स है उनको हटाना किसकी हेल्प से? ट्रॉवल की हेल्प से। एंड सेकंड वन इज बाय यूज ऑफ बीडीसाइड। बीडीसाइड मीन्स क्या होता है? घास फूस नाशी। सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड बीडीसाइड और हर्बीसाइड आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर। एक स्प्रेयर की हेल्प से हमको क्या करना चाहिए? जो बीडीसाइड है, घास फूस नाशी, जो दवाई आती है उसको हमें उसको उसके ऊपर स्प्रेड करना चाहिए, उसके ऊपर फैला देना चाहिए। दीज केमिकल्स चेक द ग्रोथ ऑफ मैनी बीड्स। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे जो बीड्स है उसकी ग्रोथ को चेक करते रहते हैं एंड डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप, हमारी जो मुख्य फसल है उस पर अफेक्ट नहीं होने देते हैं। सम कॉमन बीडीसाइड आर, जो कॉमन बीडीसाइड है वो क्या होती है? 2,4-डाइडेलाफोन एंड मेटाक्लोर एंड सिनेजीन। बीडीसाइड और पॉइजनस केमिकल, बीडीसाइड जो घास फूस नाशी होती है क्योंकि वो दवाई है, जो दवाइयाँ होती हैं वो कैसी होती है? पॉइजनस केमिकल से बनी हुई होती हैं। देयरफॉर इसलिए द ग्रेन्स एज वेल अदर क्रॉप प्रोडक्ट मस्ट बी वॉश थ्रोअली बिफोर यूज। जो ग्रेन है, जो दाने हैं किसी भी फसल के और जो हमारे क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें यूज करने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, अच्छे से धो लेना चाहिए, बिकॉज उसमें केमिकल्स जो हमने बीडीसाइड स्प्रेड किया था वो कैसा होता है? एक हार्मफुल केमिकल होता है, इस वजह से उसको यूज करने से पहले हमें वॉश कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल द फार्मर्स शुड ऑल्सो टेक केयर एंड कवर देयर माउथ एंड मुंह। जब ये केमिकल स्प्रेड किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं, तो जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने माउथ और अपनी नोज को अच्छे से बंद कर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेज। हमारी फसल जो है उसको पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनसे और डिसीजेज बीमारियों से बचाना। पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिज्म दिस डैमेज क्रॉप एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेस्ट जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो फसल को डैमेज कर देते हैं और उनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बना देते हैं, मतलब वो हमारे लिए फिट नहीं रहते। फिर द मोस्ट कॉमन पेस्ट आर इंसेक्ट, जो
कॉमन पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कीट इंसेक्ट होते हैं, रैट, रैबिट, बर्ड्स। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस आर ऑल्सो कॉज डिजीजेज टू क्रॉप प्लांट्स। ये भी हमारी जो फसलें हैं उनको हार्मफुल कर देते हैं। सम केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड, कुछ जो केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू डिस्ट्रॉय पेस्ट। पेस्टिसाइड को हमें स्प्रेड करना चाहिए जिससे कि जो हमारी फसल है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड एज वेल एज रोडेंटिसाइड। इंसेक्टिसाइड आर यूज टू किल इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सम इंसेक्टिसाइड्स आर BHC। कुछ जो कॉमन होती हैं वो क्या होती हैं, BHC। BHC क्या होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड सेकेंड वन इज DDT। DDT का फुल फॉर्म आप जानते हो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो दीज आर सम कॉमन पेस्टिसाइड्स दैट आर स्प्रेड। एग्जाम्पल्स आर वॉरफिन, जिंक फॉस्फेट, ETC। बिसाइड फंगीसाइड आर यूज टू किल फंगी। फंगीसाइड जो होते हैं वो फंगी को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड्स बाय इंस्टॉलिंग स्केयरक्रो। जो बर्ड्स होती हैं वो भी स्केयर्ड हो जाती हैं जब हम उसमें क्या कर देते हैं, स्केयरक्रोज कर देते हैं। ओके, योर होमवर्क इज रीड चैप्टर फर्स्ट।